नमस्कार, मैं प्रिया। आज 16 मई, चले जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए चौथे अपडेट तक 34 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 1033 हो गई है। पाए गए मामलों के प्रभावित जिलों की बात करें तो खगड़िया में 5, जमुई में 2, लखीसराय में 1, मधुबनी में 2, पटना में 1, सिवान में 5, नवादा में 1, वैशाली में 2, भोजपुर में 1, मधेपुरा में 7, किशनगंज में 2, सुपौल में 2, सहरसा में 3 है। इसमें पटना जिले के एक नए इलाके में एक मरीज मिली है। खबरों की माने तो पटना के दीघा में 26 साल की लड़की कोविड 19 से पॉजिटिव पाई गई है। बिहार में 22 मरीजों ने दी कोविड 19 को मात। जहां एक तरफ बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं बीते दिन बिहार में राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 22 मरीज ने कोविड 19 की परीक्षा को पास कर लिया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जारी की है, जिसके तहत बिहार में ठीक होने वालों का आंकड़ा 440 पर पहुंच गया है। हालांकि दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय एहतियात के तौर पर सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी लगातार अपील कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, प्रवासी मजदूरों के आने से बढ़ा बिहार में कोरोना। बिहार में कोविड 19 के मामले बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में 4 मई से 15 मई सुबह 10 बजे तक कुल 416 प्रवासी मजदूर कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के चलने से शुरुआत से लेकर के अब तक सैकड़ों मजदूर कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रवासियों की जांच सख्ती से करवाने का आदेश जारी किया है। 30 तक बिहार में सबको मिल जाएगा राशन कार्ड। जिन भी कमजोर तबके के लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार 30 मई तक सभी लोगों को राशन कार्ड मुहैया करवाएगी, क्योंकि बिहार सरकार नया राशन कार्ड सभी लोगों के लिए जारी कर रही है, तो अब तक इससे वंचित रहे हैं। हालांकि कोविड 19 के बीच लगभग 3 लाख से अधिक परिवारों को राशन कार्ड पहले ही बिहार सरकार मुहैया करवा चुकी है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आगामी 30 मई तक उन परिवारों को राशन कार्ड दे दिया जाएगा जिन्होंने आवेदन भर रखा है, लेकिन उन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है। खबरों की माने तो जीविका समूह की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राशन कार्ड से वंचित तकरीबन 22,45,000 परिवारों की पहचान कर ली गई है। बिहार में विदेशी सामानों की खपत का सर्वे कराएंगे नीतीश सरकार। बिहार सरकार केंद्र सरकार के आदेशानुसार लोकल को वोकल करने की मुहिम को और तेज कर रही है। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि राज्य में बाजारों में किन विदेशी उत्पादों की मांग है। इसके आधार पर ही सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद उन सामानों के उत्पादन को राज्य स्तर पर करवाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए विदेशी सामानों की सूची तैयार करने का आदेश जारी किया है। इससे जहां पर भी विदेशी उत्पादों पर निर्भरता घटेगी, वहीं राज्य में व्यवसाय गतिविधियां बढ़ने के साथ ही नए रोजगार का सृजन होगा। बिहार में 100 नए निकायों का गठन होगा जल्द। बिहार सरकार ने अर्ध शहरी इलाके की सुनियोजित विकास कार्य में तेजी लाई है। शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए करीब 100 कस्बों को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। खबरों की माने तो राज्यपाल फागू चौहान द्वारा हस्ताक्षर के बाद नगर विकास विभाग के सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें अब 100 से ज्यादा नगर निकायों के गठन होने की बात कही गई है, जिसके बाद बिहार में नगर निकायों की संख्या 143 से बढ़कर करीब 250 हो जाएगी। बिहार में बिजली बिल हो सकती है सस्ती। केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिन जारी किए गए आर्थिक पैकेज का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को और ट्रांसलेशन चार्ज में राहत देने की घोषणा की है, जिसके लिए बिजली कंपनियों के ट्रांसलेशन चार्ज में लगभग 200 से 250 करोड़ का लाभ हो सकता है, और यही कारण है कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को पहले से सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राहत पैकेज के बाद अब आम नागरिकों को भारी भरकम फिक्स से निजात मिल सकता है। पड़ोसी राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को अब छोटे वाहन से वापस लाया जाएगा। बिहार कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण जगह जगह पर काम पूरी तरीके से बंद है, वहीं दूसरे राज्य में काम कर रहे प्रवासी मजदूर बेबस होकर वापस अपने राज्यों को लौट रहे हैं। उनकी मजबूरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन को अनुमति दे दी थी, जिसके बाद अब तक लाखों श्रमिक मजदूर वापस बिहार आ चुके हैं। वहीं अब मजदूरों की संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने पड़ोसी राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को छोटे वाहनों से भी लाने का ऐलान जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना बनाकर प्रवासी मजदूरों को शीघ्र से शीघ्र वापस लाने का आदेश जारी किया है। बिहार में निवेश करने वालों को मैन पावर मुहैया करवाएगी सरकार। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूर अब बिहार में वापस आ चुके हैं, वहीं अब सरकार ने इन्हें रोजगार मुहैया करवाने की एक बड़ी चुनौती बन गई है, और इसके लिए सरकार ने अब जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब सरकार ने राज्य में निवेश करने वालों को मैन पावर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने दी है और कहा है कि निवेशकों को मैन पावर मुहैया कराकर सरकार मजदूरों की सहायता करना चाहती है, साथ ही मजदूरों को रोजगार भी मुहैया करवाने पर पूरा फोकस कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें,
कोविड 19 के इस माहौल में एसोचैम की तरफ से आयोजित वर्चुअल मीट के दौरान उद्योग मंत्री श्याम रजक ने उक्त ऐलान किया है। बिहार सरकार ने बिहार के मुखियाओं को सौंपी जिम्मेदारी। बंद के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही लगातार जारी है। प्रवासी लोगों के जिलों में भी एंट्री हो रही है, जिसके बाद अब सरकार ने इसको देखते हुए मुखिया को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सरकार के आदेशानुसार अब बिहार के मुखिया जी बाहर से आने वाले प्रवासियों की जानकारी सरकार को देंगे। दूसरे राज्य से आ रहे प्रवासी मजदूर का पंचायत, सरपंच, राज्यवार डेटा तैयार किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिला के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है। बिहार के 28 डॉक्टरों को जारी किया गया अल्टीमेटम। कोविड 19 के माहौल में डॉक्टरों की लापरवाही से सरकार परेशान हो चुकी है, और यही कारण है कि राज्य सरकार डॉक्टरों की अनुपस्थिति रहने को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से 28 डॉक्टरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उनके खिलाफ अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है, जो बिना बताए ड्यूटी से नदारद रहे थे, क्योंकि बिहार सरकार ने 30 मई तक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। लेकिन इसके बावजूद कई डॉक्टर ऐसे हैं जो इस लापरवाही बरत रहे हैं और काम से गायब हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का ऐलान जारी किया है। अब खाने की होगी होम डिलीवरी। कोविड 19 की वजह से बिहार में कई दिनों से खाने की होम डिलीवरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार ने खाने की होम डिलीवरी का ऐलान जारी कर दिया है। इसके तहत पटना में जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट को संचालित करने की अनुमति दे दी है, लेकिन संचालकों को ताजा एवं गर्म खाना सप्लाई करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट खोलने से पहले वहां की व्यवस्था से संबंधित सुविधाओं पर अनुमंडल पदाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए रेस्टोरेंट को पंजीकृत करवाना अनिवार्य हो गया है, जिसके बाद अब सभी रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। डीएम कुमार रवि ने गृह विभाग के आदेश के बाद सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है, अपने अपने क्षेत्र में होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट को खुलवाने का आदेश दे दिया है। बिहार में नीतीश सरकार ने मजदूरों के काम करने के समय में किया बदलाव। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण काफी लंबे समय से काम बिल्कुल बंद पड़े थे, वहीं कई फैक्ट्रियों पर ताले भी लगाए गए थे, जिसके बाद अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए साथ ही काम को पहले की तरह करने के लिए सरकार ने श्रम कानून में संशोधन का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत काम में तेजी लाने के लिए अब श्रमिक 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम कर सकते हैं, जिसकी जानकारी राज्य के श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने दी है। हालांकि विजय सिन्हा ने यह भी बताया है कि सभी श्रमिकों से ओवरटाइम करवाने के लिए उन्हें मेहनताना भी दिया जाएगा, ताकि काम में भी तेजी से शुरुआत हो सके और श्रमिकों को भी इसका आर्थिक लाभ मिल सके। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की नीतीश कुमार की तारीफ। बिहार के अंदर विपक्षी सरकार द्वारा बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचनाओं के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नीतीश सरकार की सराहना की है, जिसके तहत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेन रिजर्व कर रखी है। प्रवासी मजदूरों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए 1200 ट्रेन को रखा गया है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो ट्रेन को चलाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, मगर बिहार ऐसा राज्य है जो मजदूरों की चिंता कर रहा है, मजदूरों की घर वापसी भी करवा रहा है, उनकी जांच भी करवा रहा है और उन्हें अलग से पैसे भी दे रहा है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है, सीएम नीतीश कुमार बिहार के मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिहार और उड़ीसा के लिए चुनौती बने प्रवासी मजदूर। बिहार में लगातार प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का सिलसिला जारी है, हर दिन हजारों की संख्या में बिहार प्रवासी लौट रहे हैं। ऐसे में कोविड 19 के बढ़ने की आशंका अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बीते कई दिनों से आ रहे मामलों में ज्यादातर मामले प्रवासियों के ही है, क्योंकि बिहार से कई सारे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में काम करते हैं, इसीलिए लाखों की संख्या में उनकी आवाजाही हो रही है और ऐसे में बिहार सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके एक प्रवासी मजदूर की जांच करवाने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि प्रवासी मजदूरों से कोविड 19 बिहार के पहले से आम नागरिकों में ना फैले। खबरों की माने तो 4000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच के बाद 7.5% मजदूर कोविड 19 से प्रभावित पाए गए हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में बिहार की सूरत बदलने की जागी उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत की गई घोषणाओं के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए पैकेज बिहार के किसानों के हित में है। निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया पैकेज से जहां किसान इस बारे में आश्वस्त होंगे कि उन्हें उनके उत्पादों की कितनी कीमत मिलेगी, वहीं मत्स्य उद्योग में विश्व में नंबर एक स्थान पर काबिज हो जाएंगे। वहीं इसके अलावा फसलों की ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण में भी दी गई 50% सब्सिडी किसानों की लागत को घटाने के साथ साथ उन्हें सुरक्षित भविष्य के लिए आश्वस्त भी करेगी। ONGC के 109 अफसरों को लेकर पटना एयरपोर्ट से एयर इंडिया ने भरी उड़ान। बंद के बाद पहली बार पटना एयरपोर्ट से शुक्रवार को सुबह 10 बजे ONGC के 109 अफसरों को लेकर एयर इंडिया के विशेष विमान से मुंबई के लिए उड़ान भरी गई है। एयरपोर्ट पर और विमान के भीतर यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखे गए। ONGC के स्टाफ को लेकर मुंबई की एक विमान भी बीते दिन पटना पहुंची थी, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए साथ ही कोविड 19 के फैलते असर को देखते हुए सभी यात्री 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट प्रशासन पर पहुंच गए थे। इसके साथ ही सभी ONGC के कर्मचारी मास्क और ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे।
लोकल फॉर वोकल के तहत मखाना उद्योग से बिहार के विकास को मिलेगी गति। उक्त बातें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के कृषि का कायाकल्प और कल्याण सुनिश्चित है। हम सभी को यह पता है, कृषि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन इसके उत्थान के लिए कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए लोकल फॉर वोकल योजना के तहत बिहार में मखाना उद्योग की बढ़ोतरी हो सकती है और इससे बिहार के विकास को भी गति मिल सकती है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में रागी और मोटा धान, तेलंगाना में हल्दी आदि के क्लस्टर विकसित कर लोकल के लिए वोकल और फिर ग्लोबल के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने गोपालगंज का लिया जायजा। कोविड 19 के इस माहौल में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद ही दिन रात कोविड 19 प्रभावित इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में बीते दिन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे गोपालगंज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कोविड 19 के रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही गोपालगंज के जलालपुर चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गोपालगंज जिला प्रशासन द्वारा जलालपुर चेक पोस्ट पर सभी मजदूरों को रोककर इनकी मेडिकल जांच की जाती है। उसके बाद ही बिहार के मजदूर जिस जिला के रहने वाले हैं वहां उन्हें भेजा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीते दिन इस चेक उसका जायजा लिया है। बिहार सरकार के प्रवासी मजदूरों के लिए जारी किया अहम फैसला। आए दिन बिहार के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूर द्वारा शोर शराबा करने की खबर सामने आती है, जिसके रोकथाम के लिए अब बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। आपदा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि उन्हीं मजदूरों को रेल किराया और खर्चा दिया जाएगा जो राज्य में पहुंचने के बाद 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहने वाले और साथ ही यहां के नियमों का पालन नहीं करने वालों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, बीते कई दिनों से प्रवासी मजदूरों की आवाजाही हो रही है और अभी सभी मजदूरों और छात्रों को सख्त आदेश देते हुए क्वारंटाइन सेंटर में रहने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रुकने की जिद करते हैं। 35 ट्रेन आज पहुंचेगी बिहार। कोविड 19 के माहौल में केंद्र सरकार के आदेशानुसार बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाखों प्रवासी मजदूर अब तक वापस आ चुके हैं। वहीं आज 35 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार पहुंचने वाली है, जिसके तहत आज बोलाराम से कटिहार, बेंगलुरु से हाजीपुर, बेंगलुरु से कटिहार, पुणे से बरौनी, जामनगर से दानापुर, बेंगलुरु से गया, चेन्नई से बिहार शरीफ, लुधियाना से अररिया, फरीदाबाद से कटिहार, पानीपत से भागलपुर, राजकोट से सिवान, कर्मनासा से मुजफ्फरपुर समेत अन्य ट्रेन आज बिहार पहुंचने वाली है। यात्रियों के पहुंच से उनकी जांच करवाई जाएगी, उसके बाद ही उन्हें उनके जिले के लिए रवाना किया जाएगा। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होने की कही बात। हम प्रमुख जीतनराम मांझी आए दिन अपने विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं और अपने दल के खिलाफ हो जाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य के अधिकार के लिए आगे आना चाहिए, इसमें उनका साथ देंगे। 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में बिहार को विशेष तौर पर 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज के तौर पर देने की घोषणा की थी, पर केंद्र सरकार को यह पता है कि बिहार को 1.54 नहीं मिली थी। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि वह बिहार के हक के लिए आगे आए, हम उनका साथ देंगे। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर कसा तंज। बिहार में प्रवासी और क्वारंटाइन सेंटर को लेकर राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा है। राजद और कांग्रेस जहां इन मुद्दों को लेकर सरकार पर तंज कस रही है, वहीं इसी बीच राजद नेता राबड़ी देवी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए खाने व अन्य बुनियादी सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारी वहां आए लोगों को खाना मांगने पर परेशान कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में सरकार की तरफ से मीडिया को भी रोक दिया गया ताकि वहां की सच्चाई बाहर न उजागर हो। राबड़ी देवी इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में इतनी गरीब विरोधी और संकीर्ण मानसिकता वाली सरकार नहीं रही होगी। 17 साल बाद इरफान पठान ने अपने डेब्यू को लेकर किया खुलासा। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ लाइव में उन्होंने अपने करियर से जुड़ी बहुत सारी बातों को खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, लेकिन उस दौरे ने उन्हें एक नई पहचान देने में कामयाबी दिलाई थी। उन्होंने आगे बताया कि मैं अंडर 19 टीम के साथ पाकिस्तान के दौरे पर जाना ही नहीं चाहता था। रणजी ट्रॉफी चल रहा था और हमारी टीम का मुकाबला मुंबई के खिलाफ था। मैंने कहा था कि मुंबई के खिलाफ हमारा मुकाबला है और मैं अच्छे फॉर्म में हूं। मैंने उनके खिलाफ खेला है और इसका मुझे फायदा होगा, मगर कोच ने कहा कि भारत 14 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। तुमने अंडर 19 में पहले भी खेला हुआ है, ईमानदारी से कहूं तो मैं वहां काफी निराशा के साथ गया था, लेकिन किसको पता था कि मेरे लिए ही यह लाभदायक साबित होगा। फेसबुक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप मैसेंजर रूम्स हुआ लाइव। सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप मैसेंजर रूम्स को बीते दिन से लाइव कर दिया है। इसे अब कोई भी आसानी से गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर इस्तेमाल कर सकता है। वही कंपनी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा है कि वर्ल्ड वाइड मैसेंजर रूम्स ऐप बीते दिन से उपलब्ध रहेगा। यह प्राइवेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसमें एक बार में 50 यूजर जुड़ सकते हैं। वहीं उन्होंने आगे यह भी बताया कि मैसेंजर रूम का इस्तेमाल एंड्रॉइड, iOS, विंडो और मैक
OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स आसानी से कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुजीत राज, रमेश चौधरी, मिंटू बाबा, मृकुल कुमार यादव, चंदन सिंह, निरंजन कुमार चौरसिया, अविनाश कुमार, मोहम्मद शाह, जहान नंदलाल, सर्वेश कुमार, दिव्यांशु कुमारी, कमलेश कुमार यादव, आकाश गुप्ता, विकास सैनी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद आपके जिले में किन किन उद्योग को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।